हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। तो उसके अंदर एक और टॉपिक है, वो है हमारा मशरूम प्रोडक्शन। ठीक है, मशरूम प्रोडक्शन या मशरूम कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है मशरूम, होता क्या है हिंदी में बोलें तो इसको मशरूम ही बोलते हैं। और मशरूम इज अ फंजाई प्रोड्यूसिंग ए फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडी स्पेशली वन कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टोक विद ए अम्ब्रेला केप। ठीक है, तो आप सभी ने जो मशरूम की बात करें तो सभी ने देखी होगी, वाइट कलर की होती है बेसिकली। ठीक है, उसका क्या है, एक स्टोक होता है इस तरह से। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। एक क्या ये स्टोक होता है, ऊपर क्या है अम्ब्रेला शेप की एक शेप होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंजाई है जो कि क्या है फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो जिसमें एक स्टोक लगा होता है, ऊपर एक क्या है अम्ब्रेला शेप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका क्या केप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम पाइलस बोलते हैं, पाइलियस। ठीक है, एग्जाम के अंदर आ सकता है पाइलियस। ठीक है, पार्ट ऑफ क्या है एक मशरूम का है जो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अटैच्ड विद अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माइसीलिया बोलते हैं। वो हम थोड़ी देर में डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो तब सारा कुछ देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइसीलिया अब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल, इट डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, तो जैसो कि क्या है, ये एक फंजाई है जो आपका माइसीलिया होता है, वो क्या है हमारी सोइल से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है और इसकी जो ग्रोथ है उसमें क्या है हेल्प करता है। इसके लिए क्या है लाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तभी तो आपने देखा होगा जो हमारी मशरूम वगैरह की जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो क्या है डार्क एरिया के अंदर किया जाता है, शेडेड, जहाँ पे छाया ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी इसके लिए क्या है ज़्यादा होती रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मशरूम क्या है एक एडिबल फंगस है। ठीक है, जिसको हम खाद्य के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, जिससे सब्जियाँ वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है और हरियाणा के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशरूम की प्रोडक्शन की जाती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मशरूम, यहाँ पे कुछ मशरूम्स के टाइप दिए गए हैं। तो बेसिकली आपने इस तरह की मशरूम है वो ज़रूर देखी होगी, ये भी देखी होगी, ये भी देखी होगी, ठीक है, और ये भी देखी होगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की मशरूम्स पाई जाती हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मशरूम्स के नाम दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने माइसीलिया पढ़ा रहा था मैं आपको भी कुछ टाइम पहले, तो उसमें क्या है हम स्ट्रक्चर को सारा देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पाइलिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं पाइलिस बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, जैसे आपने फिश देखी होगी, फिश के ऊपर क्या स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, उसी तरह से क्या है मशरूम के ऊपर क्या छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, उसको हम स्केल बोलते हैं। और उसके नीचे क्या है जो हमारी केप बोलते हैं अम्ब्रेला है। ठीक है, अम्ब्रेला की तरह यहाँ पर क्या छोटे छोटे इस तरह से ये आप लाइनिंग देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं गिल्स बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एनुलस होती है, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसको हम स्टेम बोलते हैं, एक हमारी जो स्टेप लाइक या मतलब स्टोक बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे नीचे माइसीलिया होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है हमारी जो अर्थ है, ठीक है, सोइल है, उसमें क्या है ये नीचे तक चले जाते हैं और न्यूट्रिएंट वगैरह को क्या है अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट द मशरूम। ठीक है, तो होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको नेम बेसिकली पता होना चाहिए इसको क्या कुछ बोलते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इनसे बन सकता है। नेक्स्ट, मशरूम टाइपली कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स टाइप कैप। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सारा स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, जैसे कि ये केप हो गई, गिल्स हो गए, स्टोक हो गया, इसको हम रिंग एनुलस भी बोलते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो मशरूम के अंदर क्या है न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ये बेसिकली इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो अपना मीट और वेजिटेबल्स के बीच के बीच की पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है प्रोटीन्स कंटेंट पाया जाता है, मोस्ट मशरूम है हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, यूजुअली अबाउट 20
से 30% बाई ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई वेट जो होता है मशरूम का उसके अंदर बेसिकली 20-30% क्या है प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है। फाइबर इसके अंदर आपको मिलता है, विटामिन डी मिलता है, कॉपर मिलता है, सिलेनियम, पोटेशियम, अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, लो लेवल ऑफ फैट मिलती है, कैलोरीज एंड सोडियम, नो कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो ये थी न्यूट्रिशन वैल्यू मशरूम की, ठीक है। और एडिबल मशरूम है एक, ठीक है, एडिबल मशरूम वो मशरूम्स होती है जिसको हम क्या है खाते हैं, खाद्य के पदार्थ के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो वाइट बटन मशरूम है कॉमन जो हमारी एडिबल मशरूम है, अगर इस तरह का एग्जाम आता है तो वाइट बटन, ठीक है, वाइट बटन मशरूम का नाम है ये, बेसिकली क्या है कॉमन एडिबल मशरूम के तौर पे इसको कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। ये क्या है एक फंगस होती है जिसको क्या है एडिबल फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। एडिबल मशरूम आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एज दे आर द ओकेजनली कंज्यूम्ड फॉर देयर सपोज्ड मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। एडिबल में भी डिफाइंड है द क्राइटेरियन इंक्लूड द अब्सेंस ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड डिजायरेबल टेस्ट एंड अरोमा। एडिबल मशरूम इंक्लूड मेनी फंगल स्पीसीज दैट आर आइदर हार्वेस्टेड वाइल्ड और कल्टिवेटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स है एडिबल मशरूम के बारे में, तो इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे वैरायटीज दी गई है, इनको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ पॉइजनस मशरूम भी पाई जाती है, ठीक है, जो एडिबल नहीं होती है। बेसिकली डिफरेंस की बात करते हैं हम, जो हमारी पॉइजनस और सिंपल होती है, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ब्राइट कलर्ड फ्रूट बॉडी, ठीक है, जो हमारी पॉइजनस मशरूम होती है वो क्या है ब्राइट कलर्ड होती है, फ्रूट बॉडी होती है उनकी जो ब्राइट कलर की होती है, ठीक है। ग्रीनिश टिंग और गिल्स एंड येलो ग्रीन स्पोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रो की जाती है स्पोर्स के द्वारा, वो हम थोड़ी लाइफ साइकिल इसकी करेंगे तो मैं बता दूंगा डिटेल में। तो जो इसका जो गिल्स की बात कर रहे थे, जो हमारा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर थी उसके नीचे क्या था गिल्स पाए जाते हैं, वो गिल्स क्या है थोड़े ग्रीनिश कलर के होंगे, पिंकिश कलर्ड स्पॉट इन गिल्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वुल्वा एंड एनुलस ऑन द स्टोक, जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर किया था उसमें ये दो नाम थे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या डिफरेंसेस होते हैं पॉइजनस मशरूम के, एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, तो ये एग्जांपल आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइजनस वैरायटी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है जो कि आपकी पॉइजनस मशरूम की है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली क्या है ये स्पोर्स से ग्रो की जाती है। स्पोर्स वगैरह है वो क्या है हम जो हमारी ह्यूमिडिटी प्लेस है जहाँ पे भी हम कल्टिवेट करते हैं वहाँ पे क्या इनको ग्रो किया जाता है। स्पोर्स क्या है उसके बाद में स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, ये बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं, उसके बाद में क्या है मशरूम प्राइमोरोडिया बनता है, उसके बाद में हमारी क्या है स्पोर इसकी जो मशरूम है उसकी क्या है फॉर्मेशन हो जाती है। ये थी इसकी कुछ मशरूम की लाइफ साइकिल, ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से स्ट्राइप एंड कैप, ठीक है, सेकंड गिल्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा है मशरूम के बारे में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि एडिबल मशरूम कौन सी है, वो हम वाइट बटन मशरूम बोलेंगे, और इंडिया के अंदर हरियाणा सबसे ज़्यादा इसकी ग्रो करता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट के लिए क्या है लार्जेस्ट कूल टेम्परेचर यानी ठंडक वाली जगह होनी चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है इसके लिए हाई होनी चाहिए, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और लो क्या है इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, कूल टेम्परेचर में ये बेसिकली ग्रो की जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको मशरूम के बारे में कुछ पता चला होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। तो इसी तरह से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू गाइस।